उसको जिताना पड़ेगा जो धर्म की राजनीति नहीं कर रही, नहीं कर, जो जात की राजनीति नहीं कर रही। तकलीफ क्या होती है हमारे समाज में, जैसे कि मैं दलित समाज से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो रामविलास पासवान भी दलित समाज से, लेकिन ऊना में जब दलितों को मारा तो खामोश रहा, यूपी के सहारनपुर में घर जले तो खामोश रहा, एट्रोसिटीज के कानून को जब खत्म किया जा रहा था तब भी खामोश रहा, 2 अप्रैल के भारत बंद के दौरान खामोश रहा, उस बंद के दौरान 12-13 दलितों को गोलियां मार दी गई, खामोश रहा, तो दलितों के सारे मुद्दों पर खामोश, तो फिर काहे का दलित। अब ये रामविलास पासवान जो दलितों के सारे सवालों के वक्त खामोश रहता है, इनके खिलाफ कोई ईमानदार आदमी खड़ा रहे तो मुझे क्या देखना चाहिए, पासवान दलित है वो या वो जो ईमानदार है उसको, ईमानदार जो है उसको, यही बात तय करनी है। हम लोगों की तकलीफ क्या हुई है, कुछ भी है तो भी अपने वाला है, इसी हम लोग मर गए। अपने वाला वही जो जात और धर्म की राजनीति को छोड़कर सारे समुदाय को कन्हैया की तरह साथ लेकर चले। राम प्रसाद बिस्मिल न हिंदू थे न मुसलमान थे, अशफाकुल्ला खान न हिंदू थे न मुसलमान थे, दोनों भारतीय। तो यही कन्हैया उसी विरासत का प्रतीक, कन्हैया की जो सोच, उसकी जो भावना है, उसकी जो ख्वाहिश है कि कैसा मुल्क बने, तो वो उसी तर्ज पे है। तो आप सभी से हमारा यही गुजारिश है कि भाषण तो क्या करेंगे, मिलने जुलने के लिए आए हैं, मिलने जुलने के लिए हो रहा है, सिर्फ हम तो ये कहने के लिए आए कि हम सबके दिल में कन्हैया तो है ही, एक और बाकी न रह जाए सिर्फ वो देखना। और यदि गांव में अभी किसी के दिमाग में गिरिराज को लिए कोई भूसा भरा है तो उसके ऊपर थोड़ा झाड़ू लगाया जाए, उसको समझाया जाए, ठीक है, कि जो लोगों को पाकिस्तान भेजने की बात करता है ये क्या करेगा बेगूसराय में, अरे तुझको गंगा के उस पार हम भेज देंगे। तो ये जो भी 6-7 हजार हमारे गाँव वासी है उन सबको एक बार जमा करिए, आप सारे लोग, सारे समुदाय के लोग आए और उनके सबके बीच में बैठकर तय किया जाए कि इस बार जय कन्हैया लाल। और 28 तारीख को मीटिंग होना बहुत जरूरी है, ये कहने के लिए कि कल सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में हर कीमत पर हमारा वोटिंग हो जाना चाहिए, 10 बजे के बाद नहीं, 10 बजे के पहले पूरा गांव मार मुहरिया तान के फसवा वाली के निशान। और इनकी जो जुमलेबाजी है उस जुमलेबाजी को समाप्त करके जो कलंक बेगूसराय के ऊपर लगाने का काम किया गया है, इस बात को आप गौर से समझिए कि वो आरोप एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो आरोप एक झंडे एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो आरोप आपके बच्चे के खिलाफ है, आपके बेटे के खिलाफ है। और वो आरोप क्यों है, वो आरोप इसलिए है कि आपका बच्चा आपका नमक खाया है, आपका जो खून पसीने की कमाई लूटी जाती है, किसानों को जो आत्महत्या करना पड़ता है, खाने पीने के नाम पे भीड़ के द्वारा जिस तरीके से मुसलमानों की हत्या की जाती है, जिस तरीके से इस देश के शोषितों और वंचितों को पढ़ने लिखने और नौकरियों में जाने से रोका जाता है, इस संबंध में जब कोई सवाल उठता है, जो सवाल पूछता है, तो उसको ये देशद्रोही कहने का काम करते हैं। ये जो देशद्रोह का आरोप है वो एक व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये देशद्रोह का आरोप राष्ट्र कवि की इस धरती बेगूसराय की मिट्टी के ऊपर लगाया गया है। इसीलिए आपकी मिट्टी के ऊपर जो यह कलंक इस सरकार ने लगाने का काम किया है, इस सरकार को हमको सबक सिखाना है और पूरे देश को, पूरी दुनिया को यह बताना है कि बेगूसराय राष्ट्र कवि की पैदाइश है, बेगूसराय राष्ट्र कवि पैदा करती है। इस जिले में जो भी पैदा हुए हैं हिंदुस्तान के लिए मर मिटने वाले लोग पैदा हुए हैं, इसीलिए यह बेगूसराय के प्रतिष्ठा का सवाल है। यह जिम्मेवारी मैं आपके कंधे के ऊपर डालता हूँ कि इस जिम्मेवारी को आप कैसे निभाते हैं। बस मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम चुनावी बरसात में टर्टर करने वाले मेढक नहीं हैं, हम चुनावी बरसात में
टर्टर करने वाले मेढक नहीं हैं। हमारी रगों में आपका खून दौड़ता है। अन्याय के खिलाफ हर हाल में इनकलाब करेंगे, यह हमारा संकल्प है। और इस संकल्प से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नेता की तरह हम आपके बीच नहीं आए हैं, आपका बेटा है और आपके बेटे की तरह आपके बीच हैं। सुख दुख में शामिल होकर इस बात की हम गारंटी करना चाहते हैं कि कोई नफरतवादी हिंसावादी इस देश के भीतर नफरत और सांप्रदायिकता की जहर को नहीं फैला सकता है। जब जब ये सांप नफरत का फन उठाने की कोशिश करेगा, उस फन को हम कुचलेंगे, यह हमारा संकल्प है। यह हमारा संकल्प है कि बेगूसराय जिले का इतिहास आपसी सौहार्द का इतिहास है। बेगूसराय का इतिहास ऐसा इतिहास है कि हम होली भी मनाते हैं और ईद भी मनाते हैं, यह बेगूसराय का इतिहास है। आजादी के आंदोलन के दौर से, आजादी के वक्त से लेकर के आज तक बेगूसराय के इतिहास में एक भी दंगा नहीं हुआ था। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के मोहल्ले में जाकर के डर का माहौल कायम करने की कोशिश की है इन गुंडों ने, तो इन गुंडों को हम खुली खुली चुनौती देना चाहते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं और हमारी तरह बेगूसराय की जनता जिंदा है, बेगूसराय में नफरत और हिंसा का माहौल तुमको नहीं बनाने देंगे, यह हमारा संकल्प है। खुल करके तुमसे लड़े थे, खुल करके तुमसे लड़ेंगे। और हमारा सपना दिल्ली पहुंचने का नहीं है। दिल्ली में तो हम थे ही ना, दिल्ली से बोरिया बिस्तर लेकर के आए हैं। किसी बेईमान फकीर की तरह लाखों का सूट पहन करके बोरिया बिस्तर लेकर के चले नहीं जाएंगे। आपकी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमारी मिट्टी में आपके साथ साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, यही आशा और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इस लड़ाई को हम जरूर जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा।